हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन बेसिकली जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एंड्रोसियम या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो, जो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एंड्रोसियम। और ये जो है वो अपने बाहर की तरफ से देखे तो थर्ड वर्ल और अंदर की तरफ से देखे तो सेकंड वर्ल होता है। और इस वर्ल का हर एक मेंबर क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेमन। तो स्टेमन से स्टार्ट करते हैं। अब अगर एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर अगर अपन अच्छे से देखें तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें ऊपर की तरफ का जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एंथर, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, फिलामेंट। और आपको पता है ये नीचे कहां पर अटैच रहता है, जनरली थैलेमस वाली साइड में। तो थैलेमस वाली साइड से ये जो पार्ट निकल रहा है लॉन्ग सिलेंडर शेप, सिलेंडर का मतलब होता है थिन, बहुत ही ज्यादा थिन जो होता है वो, तो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक निकलता है उसको तो अपन क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। और उसका टर्मिनल जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, देखो एक लोब और ये दूसरी लोब, दो लोब दिख रही है, ये बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं। इस फिलामेंट के अपन दो पोर्शन कर सकते हैं या दो एंड कर सकते हैं। जो ये नीचे वाला एंड जो दिख रहा है, जो जनरली या तो थैलेमस से या फिर पेटल से क्या होगा, अटैच रहेगा, जहां से ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है वो वाला एंड तो कहलाएगा प्रोक्सिमल एंड, और जो ऊपर की तरफ है वो क्या कहलाएगा, डिस्टिल एंड। तो फिलामेंट का जो डिस्टिल एंड होता है वो कहां पर जुड़ा होता है, एंथर पे। और फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है वो जनरली तो जुड़ा होता है कहां पर, थैलेमस पे, क्योंकि सारी चीजें थैलेमस पे ही जुड़ी होती है, लेकिन कभी कभी पेटल पे भी जुड़ सकती है। तो अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोक्सिमल एंड, बोले तो ये वाला एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, या तो पेटल से जुड़ा होगा या किससे जुड़ा होगा, थैलेमस, जनरली थैलेमस से, पेटल से भी जुड़ा हो सकता है। और ये आपकी नीट का क्वेश्चन था, नीट में आपको ऐसा पूछा गया था कि फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है वो कहां से जुड़ा होता है। तो जनरली बच्चे सोचते हैं सारे स्ट्रक्चर कहां पर जुड़ते हैं, थैलेमस पे, तो थैलेमस होगा, थैलेमस भी हो सकता है और पेटल भी हो सकता है। आगे बढ़ते देखो, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जब एंथर देखते हैं तो देखो ये फ्रंट से देखने पर, देखो ये एक पूरा ऐसी लाइन, ये एक जो पूरा है वो, जैसे ये एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, और एक दूसरा वाला ये। तो जनरली जो एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं इसको कट करके देखूं तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो इधर वाला जो हिस्सा है ये पूरा जो हिस्सा है ये एक लोब, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये अपना क्या हो गया, दूसरा लोब। तो जनरली एक एंथर में दो लोब होती है, इसलिए एंथर को क्या कहते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखना, ये जो हर लोब जो होती है वो अंदर की तरफ देखो एक डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक है, और ये डिप्रेशन तो अपन को ऐसे ऊपर मतलब कटिंग सेक्शन में दिख रहा है। अगर अपन लेंथ के हिसाब से देखें तो ये डिप्रेशन पूरी लेंथ में होता है, इस तरफ साइड वाइज में पूरे में ऐसे डिप्रेशन होगा, तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है अंदर की तरफ, उसकी वजह से हर लोब जो है वो दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। देखो ये एक ऊपर वाला कंपार्टमेंट और ये एक नीचे वाला, इसको कहते हैं टू थीका, ठीक है। तो एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और हर लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, दो थीका होते हैं। वैसे थीका वर्ड यूज करते हैं लेयर्स के लिए, तो यहां पर जो लेयर्स है उनको कह सकते हैं, लेकिन अभी आप ऐसे समझो कि अंदर की तरफ दो कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, और हर एक कंपार्टमेंट में एक होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। वापस रिपीट करता हूं, एक एंथर में दो लोब थे, हर लोब में दो कंपार्टमेंट या दो थीका थे, हर थीका में एक जो थी माइक्रोस्पोरेंजियम थी, तो एक लोब में कितनी हो गई, दो, और टोटल एंथर में कितनी हो गई, चार, ठीक है। तो चार क्या हो जाएगी, माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएगी, चार माइक्रोस्पोरेंजिया, प्लूरल वर्ड, एक को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अब वापस देखना, कुछ वर्ड देखना, दो लोब होती है इसलिए एंथर को कहते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, हर लोब में दो थीका होते हैं इसलिए एंथर को कहते हैं डाइथीकस, और एक एंथर में टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इसलिए एंथर को कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल कितनी होती है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया, एक लोब में कितनी होगी, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, एक थीका में कितनी होगी, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। एक एंथर में कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, हर लोब में कितने थीका होते हैं, दो थीका होते हैं,
और एक एंथर में टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी? चार होगी, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, ये लोब जो होते हैं वो थीका में किससे डिवाइड रहते हैं? तो थीका को डिवाइड करने के लिए एंथर में एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। ये भी अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो अच्छे से याद रखना। अगर आपको पूछे कि बाई लोब स्ट्रक्चर को दो थीका में या हर लोब को दो थीका में कौन डिवाइड करता है, हर जो लोब होती है उसमें दो थीका कौन बनाता है, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बनाता है। ठीक है, ये देखो, ये साइड में से देखो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखता है ऊपर से देखने पे, तो ये सिर्फ इतना सा नॉच दिखता है, ये डिप्रेशन दिख रहा है, बाकी ऐसे लेंथ वाइज पूरा ऐसे होता है, इस तरफ भी होता है इस तरफ, दोनों ही साइड में ऐसे ग्रूव होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होता है वो लोब को दो थीका में कन्वर्ट कर देता है। तो तीन टर्म है, बाइलोब क्योंकि दो लोब होती है, डाइथिकस क्यों कहते हैं क्योंकि हर लोब में दो थीका होते हैं, टेट्रास्पोरेंजियट क्यों कहते हैं क्योंकि हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, और ओवरऑल कितनी हो जाएगी, चार, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसलिए टेट्रास्पोरेंजियट कहते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो एक जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा तो क्या हो गया, एंथर का हो गया, टीएस हो गया, इसमें ये एक जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। और माइक्रोस्पोरेंजियम जब एंथर जब एकदम यंग स्टेज में, तब तो उसके अंदर इस चीज को कहेंगे अपन माइक्रोस्पोरेंजियम, और अभी यहां से क्या होगा, फॉर्मेशन स्टार्ट होगा माइक्रोस्पोर का। फिर जब एंथर जैसे जैसे डेवलप होने लगेगा इसमें माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, फिर एक टाइम ये आएगा कि माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलेन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब पॉलेन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे उस समय तक एंथर पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा, उस समय अपन माइक्रोस्पोरेंजिया ना कहकर उस समय पॉलेन सैक कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया तब तक कह सकते हैं जब तक या तो माइक्रोस्पोर बने नहीं है या माइक्रोस्पोर बने हुए। जब माइक्रोस्पोर पॉलेन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसे पॉलेन सैक कहना ज्यादा सही होगा। वैसे कुछ बुक में पॉलेन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर, वो और ज्यादा डेवलप होती है, एक्चुअल में उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, और उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलेन ग्रेन में। उस समय इसको अपन क्या कह देंगे, पॉलेन सैक कह देंगे। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। वापस रिपीट कर देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है अपना, एंड्रोसियम। वो किसका वर्ल होता है, स्टेमन का। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट कहां जुड़ा होता है, या तो थैलेमस पे या पेटल पे। डिस्टल पार्ट कहां पर जुड़ा होता है, एंथर पे। एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजियट होता है, और उसमें कितनी, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। अब अगला टॉपिक करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसी होती है उसको अपन को देखना है। तो देखो, एंथर को जब ऐसे कट करते हैं, टीएस करते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर देता है। इसको अपन और जूम करके देखें तो ये जो बीच वाला जो टिश्यू दिख रहा है, ये टिश्यू होता है माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू या स्पोरोजीनस टिश्यू। मतलब ये ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल जो है वो माइक्रोस्पोर बना सकती है, और उसके चारों तरफ फोर लेयर होती है। ये दिख रही है आपको फोर लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे लेयर आती है वो एंडोथीसियम। थर्ड नंबर पे जो आती है वो मिडल लेयर, और फोर्थ नंबर पे जो आती है वो क्या कहलाती है, टेपेटम। तो ये चार लेयर जो है वो वॉल बनाता है। वॉल में कौन कौन सी लेयर होती है, बाहर से अंदर की तरफ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। ठीक है, तो एंथर जो होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें चार क्या होती है, वो अलग अलग जगह पर क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, और उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। हर माइक्रोस्पोरेंजिया है वो लगभग लगभग सर्क्यूलर होती है आउटलाइन के अंदर। ठीक है, और इसकी जो वॉल होती है उसमें चार लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। और सेंटर की तरफ क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो माइक्रोस्पोर बनाने की एबिलिटी रखता है। और एक ये चीज दिख रही है कनेक्टिव, इसका भी मतलब समझा देता हूं। देखो, ये जो एंथर जो होगा वो नीचे किससे जुड़ा हुआ, फिलामेंट। फिलामेंट कहां से जुड़ा होता है, नीचे वाले पोर्शन से जुड़ा होता है। तो फिलामेंट में वेस्कुलर बंडल रन करते हैं, तो जो न्यूट्रिशन, वाटर वगैरह सप्लाई की जाती है यहां पर, और ये कनेक्टिव क्या करते हैं, यहां से न्यूट्रिशन को यहां सप्लाई करके स्पोरोजिनस टिश्यू तक फैलाते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करते हैं। जो ये न्यूट्रिशन जो होगा वो पहले तो आता है किसके पास, मिडल लेयर के पास। मिडल लेयर से किस में जाता है, टेपेटम में, और टेपेटम में से किस में जाएगा, सबसे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के पास। इसे अभी अपन एक एक करके समझेंगे। तो अगर एकदम आउटलाइन के फॉर्म में देखें तो स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम का ये होता है, चार लेयर होती है, अंदर की तरफ क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू।
अब इन चारों लेयर को और अच्छे से देखते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू को भी अच्छे से समझते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में अच्छे से अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो देखो, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो कैसी होती है? एपिडर्मिस। और इसकी हर एक सेल क्या होगी? डिप्लॉइड। और वो होनी है, सब डिप्लॉइड ही होगा इधर स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन जो पेरेंट बॉडी होती है प्लांट की वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट, बोले तो डिप्लॉइड होती है, ठीक है। तो अभी सारी जो भी यहां पर स्ट्रक्चर दिखेंगे सब पहले क्या होंगे? डिप्लॉइड ही होंगे। तो एपिडर्मिस क्या होती है? 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है, सिर्फ एक लेयर बनी होती है और क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर सेकेंड आती है एंडोथीसियम। ये देखो एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम जो होती है सेकेंड लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर होती है, लेकिन ये रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती है। देखो, जब अपन सर्कल की बात करते हैं तो रेडियस क्या होगी? ये तो इस डायरेक्शन में, ये थोड़ी सी लेंथ में देखो लंबी हो रखी है, दिख रही ना? तो ये रेडियली इलोंगेटेड सेल होती है, ठीक है। और इस सेल की जो वॉल जो होती है उसमें अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से थिकनिंग हो जाती है। अब ये थिकनिंग दो जगह होती है, एक तो रेडियली बोले तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पे थिकनिंग होगी, ठीक है। और एक होती है इनर टेंजेंशियल वॉल, बोले तो ये वाली वॉल, इधर क्या होगी? थिकनिंग होगी। तो यहां थिकनिंग हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी, इस वाली ऊपर वाली लेयर पे, यहां वाली लेयर पे नहीं होती थिकनिंग, रेडियल वॉल पे होती है और इनर टेंजेंशियल वॉल पे होती है। तो एंडोथीसियम जो है सेकेंड लेयर है, सिंगल लेयर होती है, रेडियली इलोंगेटेड होती है, इसकी वॉल में क्या होता है? अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है, वो भी कहां पर? रेडियली और इनर टेंजेंशियल वॉल पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं? इस अल्फा सेलुलोज की प्रेजेंस की वजह से ये लेयर जो होती है हाइग्रोस्कोपिक होती है, मॉइस्चर जो होती है उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो ये क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में। और ये लेयर जो है वो एंथर डेहिसेंस में, डेहिसेंस का मतलब एंथर फटकर, उससे पॉलन ग्रेन जब बाहर निकलेंगे तो उसमें ये हेल्प करेगी, कैसे वो अभी अपन देखेंगे। तो अभी याद रखना, पहली लेयर इसका क्या काम था? प्रोटेक्शन। और दूसरी लेयर इसका अभी क्या काम आया? एंथर डेहिसेंस में हेल्प करती है। अगला देखते हैं मिडल लेयर। देखो मिडल लेयर जो है ये बीच में, देखो आपको दिख रही है एक दो तीन, तीन लेयर देखो आप देख पा रहे हैं, ये वन टू और ये थ्री, तीन लेयर है, ठीक है। तो वन टू थ्री लेयर होती है, कैसी सेल होती है? पेरेन्काइमस सेल होती है। आपने अगर इलेवेंथ में पढ़ा हो तो पेरेन्काइमस सेल जो होती है फूड वगैरह या किसी चीज को स्टोर कर सकती है, तो ये फूड वगैरह को स्टोर करेगी। ये फूड इनको कहां से मिलेगा? ये फूड इनको कनेक्टिव से मिलेगा, कनेक्टिव से इसमें जाएगा फूड, किसमें? मिडल लेयर में। और मिडल लेयर वो किसको पास करेगी? टेपेटम को, और टेपेटम कहां पास करेगा? अंदर, ठीक है। तो ये पास करती है फूड को कहां से? कनेक्टिव टू टेपेटम, और फिर टेपेटम आगे पास करेगा। जो मिडल लेयर की सेल जो होती है वो कुछ ही मतलब कुछ टाइम बाद में अपने आप डीजनरेट होती है, ऐसी सेल को क्या कहते हैं? एफीमेरल सेल, ठीक है। ये सेल जो होती है वो अपने आप ही क्या होगी? डीजनरेट हो जाएगी। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? कि ये कुछ दिनों बाद, मतलब शॉर्ट लिविंग होती है, कुछ दिनों बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर आती है टेपेटम। टेपेटम जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ लेयर है, जो कि ये सबसे अंदर वाला जो टिश्यू है जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे हैं उसको सराउंड कर रही है। ये भी एक ही लेयर है, एक लेयर दिख रही है, और इसकी लेयर के अंदर देखो जो डॉट बना रखे हैं सेल के अंदर, वो दो तीन चार ऐसे बना रखे हैं, वो डॉट न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं। तो जो टेपेटम की सेल जो होती है उसमें दो, एक से ज्यादा न्यूक्लियस ही होंगे, दो तीन चार ऐसे न्यूक्लियस होंगे। तो टेपेटम जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, इट सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू को चारों तरफ से कवर करती है, इट नरिशेज डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन को क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। और ये जो होती है इसकी जो सेल होती है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और साथ में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। अब डेंस साइटोप्लाज्म होने का मतलब है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, और ये जो होगा फिर दूसरी चीजों में हेल्प करेगा, मतलब बहुत सारी चीजों के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, अभी अपन देखेंगे। और इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, अगर दो होंगे तो बाई न्यूक्लियट, दो से भी ज्यादा है तो मल्टी न्यूक्लियट, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि मोर देन वन न्यूक्लियस है, वहां नीचे ये लिखा हुआ है कि क्या आप कारण बता सकते हैं कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों है? तो देखो इसका एकदम सिंपल सा है, जब सेल डिवीजन होता है, जैसे मान लो ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो सेल डिवीजन होते समय पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दो न्यूक्लियस बनेंगे, और उसके बाद में इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होकर बीच में वॉल बनती है।
तो टेपेटम के केस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है लेकिन उसके बाद क्या नहीं होता, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो ड्यू टू न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल थी उसमें एक न्यूक्लियस था, डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बना दिया, अब साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं, इसका मतलब सेल अभी भी एक ही रह गई और न्यूक्लियस कितने हो गए, दो, तो ये हो गया बाई न्यूक्लियेटेड। अगर एक बार और हो जाएगा तो मल्टी न्यूक्लियेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेपेटम जो होती है उसकी सेल कैसी होती है, बाई और मल्टी न्यूक्लियेटेड। अगर कारण पूछे तो ये अपन को कारण लिखना है कि न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा पीछे, तो सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा तो अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। टेपेटम के फंक्शन क्या है, तो देखो एक फंक्शन अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो होता है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करती है, नरिशमेंट देती है। और वो नरिशमेंट कैसे आता है कि जो वेस्क्यूलर बंडल वगैरह होगी वहां से जो फूड वगैरह जो भी चीजें होगी वो कहां पर आएगी, मिडल लेयर, मिडल लेयर में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगी, फिर मिडल लेयर से वो कहां चली जाएगी, टेपेटम में, और फिर टेपेटम जो है वो कहां प्रोवाइड करवा देगी, पोलन ग्रेन्स को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को प्रोवाइड करवा देगी। तो पहला फंक्शन तो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती, दूसरा है स्पोरोपोलेनिन बनाती। देखो पहले यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेगा, क्या बनेगा अपने, माइक्रोस्पोर बनेगा, और फिर वो माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होगा किसमें, पोलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन सेम नहीं है, माइक्रोस्पोर के चारों तरफ कुछ कवरिंग आएगी उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट होगा, पोलन ग्रेन में। तो वो जो कवरिंग जो होती है उस कवरिंग में एक हार्ड, बहुत ही हार्ड रेजिस्ट सब्सटेंस होता है जो मतलब ऐसे डिग्रेड नहीं होता, उसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। और वो स्पोरोपोलेनिन बनाने का काम कौन करता है, टेपेटम। ये एक और काम करता है, पोलेन किट भी बनाता है। जब पोलेन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें ये सारे स्पोरोपोलेनिन, पोलेन किट, ये और अच्छे से समझेंगे अपन। तो पोलेन किट क्या होता है, जो अपने पोलेन बनेंगे उसके चारों तरफ एक ऑयली स्टिकी लेयर बन जाएगी जिसमें कलर भी होगा, जो क्या करेगा इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इंसेक्ट के ऊपर उनको चिपकाने का काम करेगा, क्योंकि ऑयली स्टिकी लेयर होगी तो इंसेक्ट पे या जो भी पॉलिनेशन का एजेंट है उसके ऊपर चिपक सकते हैं, और कलरफुल होने की वजह से वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो पॉलेन ग्रेन के चारों तरफ वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसे पॉलेन किट कह रहे हैं वो कौन सिक्रेट करता है, वो भी टेपेटम सिक्रेट करता है। ये एक एंजाइम सिक्रेट करता है कैलेस, इसका क्या फंक्शन है अभी अपन देखेंगे। आप याद रखना कि कैलेस एंजाइम टेपेटम सिक्रेट करता है, उसका फंक्शन मैं बताता हूं। ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है, ठीक है, और ये यूबिस बॉडी बनाता है। यूबिस बॉडी क्या होती है, देखो टेपेटम की लेयर में पहले क्या होती है, फैट की कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जिसे कहते हैं प्रो यूबिस बॉडी, और फिर ये ग्रेन्यूल्स के अंदर स्पोरोपोलेनिन डिपोजिट होने लगता है और फिर वो बन जाते हैं यूबिस बॉडी। अब ये यूबिस बॉडी जो होगी माइक्रोस्पोर के चारों तरफ एक लेयर बनाएगी जिसे क्या कहेंगे, एग्जाइम। जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक बार की तरफ हार्ड रेजिस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, एग्जाइम। एग्जाइम जो होता है वो किससे बनता है, यूबिस बॉडी से बनता है, और यूबिस बॉडी में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है, ठीक है। तो एग्जाइम बनाने का काम करता है, तो इनडायरेक्टली एग्जाइम बनाने में भी टेपेटम हेल्प करती है। तो ये टेपेटम के क्या हो गए, फंक्शन हो गए। तो अपने माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में जो वॉल थी उसके तो अपन समझ चुके हैं। अब सबसे सेंटर में क्या होता है, तो सबसे सेंटर में हर माइक्रोस्पोरेंजियम के, और वो भी कब, जब एंथर जो है यंग है, तो उसके सबसे सेंटर में एक होमोजीनस टिश्यू होता है जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। और ये होमोजीनस टिश्यू जो होता है वो एक जैसी सेल का कलेक्शन होता है, और ये सारी सेल जो होती है इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, और साथ में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब ऐसे विजिबल न्यूक्लियस होता है। और ये दोनों चीजें हैं ये शो कर रही है कि अब ये डिवाइड करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल जो है वो डिवाइड कर क्या बना सकती है, माइक्रोस्पोर बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर, और इन सेल से माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी अपन इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अच्छे से समझेंगे, अब बस इतना सा याद रखो कि स्पोरोजेनस टिश्यू की हर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर बनाने की एबिलिटी रखती है, यही वजह उन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। फिर उसमें मियोसिस होगा, उनसे माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर बाद में पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि बेसिकली स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है, उनसे माइक्रोस्पोर बनने का जो प्रोसेस है उसे अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो वो अपना अगला टॉपिक है।
अभी तक यहां तक सुनना, अगर आपको एग्जाम में ऐसा आता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो पहले वो आपको डायग्राम बनाना है, वो जो दो लाइन पहले लिखी हुई थी वो लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है, ये चारों लेयर के बारे में बताना है और स्पोरोजिनस टिश्यू तक बताना है, यहां तक आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं आज का लास्ट टॉपिक कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोर कौन बनाएगा, तो जो अपने माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू था उसकी सेल बनाएगी। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर, और इस वजह से हर सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, और माइक्रोस्पोर बाद में पॉलन ग्रेन बनाएंगे, यही वजह है कि इन सेल को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। तो एमएमसी बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पीएमसी बोले तो पॉलन मदर सेल, किसको कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल को कहते हैं। अब इन हर एक सेल में बोले तो एमएमसी में जो है मियोसिस होता है, और मियोसिस एक मियोसिस से चार सेल बनती है, और क्रोमोसोम के नंबर क्या रहते हैं, हाफ रह जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाता है। तो एमएमसी तक अभी तक सब डिप्लॉइड था, मियोसिस हुआ और उससे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और वो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और जुड़े रहने का कारण क्या होगा, कैलोस। कैलोस जो है इनको एक दूसरे के साथ चिपका के रखेगा, तो एक एमएमसी से चार माइक्रोस्पोर बनेंगे, और चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे, ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों बोला, क्योंकि चार है। अब इनको अलग करने की जरूरत है, तो ये कैलोस जो है इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, और यही वजह है कि टेपेटम ने एक एंजाइम सिक्रेट किया था, कौन सा किया था, कैलेस। टेपेटम जो है कैलेस एंजाइम सिक्रेट करता है, उस कैलोस को डिसॉल्व कर लेता है, और ये चारों जो माइक्रोस्पोर है ये फ्री हो जाते हैं, तो कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, चार। इस तरीके से एमएमसी से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, कोई तकलीफ नहीं। अब एक और चीज, माइक्रोस्पोर पहली ऐसी सेल है अभी तक जो कैसी है, हैप्लॉइड है, तो यहां से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। मैंने पहले भी बताया गैमेटोफाइट क्या होते हैं, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो गैमेटोफाइट, और जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो स्पोरोफाइट। तो अगर आपको पूछे कि मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कौन सी थी, सबसे पहली सेल कौन सी थी, तो माइक्रोस्पोर थी। तो ईच माइक्रोस्पोर जो है वो बाद में डेवलप होगी और क्या बनाएगी, पॉलन ग्रेन बनाएगी, और पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को डिनोट करता है। तो देखो माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल थी मेल गैमेटोफाइट की, वो डेवलप होगी, डेवलपमेंट में क्या होगा, उसके चारों तरफ वॉल वगैरह बनेगी, अंदर भी डिवीजन वगैरह होगा, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में। तो माइक्रोस्पोर बाद में और डेवलप होकर फिर पॉलन ग्रेन बनाता है। पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और पॉलन ग्रेन जो होता है वो बनाने के लिए कौन सी सेल यूज होती है, पहले माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर पहली ऐसी सेल थी जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम रखता है, इसलिए माइक्रोस्पोर को कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेंगे जो कि क्या है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और आप सबको पता है, मैंने पहले भी आपको समझाया, मेल गैमेटोफाइट में माइटोसिस होता है और उससे मेल गैमेट बनेंगे। तो पॉलन ग्रेन जो है वो बाद में मेल गैमेट बनाता है, और यहां पर दो मेल गैमेट बनेंगे, कैसे क्या वो सब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, पॉलन ग्रेन की जब स्टडी करेंगे तब वो। तो ये अपने माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल जो होती है माइक्रोस्पोर बनाने की एबिलिटी रखती है, उसमें मियोसिस होता है, चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहते हैं। जुड़े हुए क्यों है, कैलोस की वजह से। हटाएंगे कैसे, कैलेस सिक्रेट होगा, कौन करेगा, टेपेटम करेगा, जिससे कैलोस हट जाएगा और चार माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। अब ये माइक्रोस्पोर जो है फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट की, ये माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे, जो मेल गैमेटोफाइट को डिनोट करेगा, और पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। अब जब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन चुके हैं, मतलब एंथर पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, तो अब एंथर का डेइसेंस होता है, मतलब उसकी वॉल फटेगी और उसके अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। अब ये होते समय जब तक, पहले तो आपको ये याद रखना है, ये कब होता है, ड्राई और हॉट डेज में होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो और ड्राई एनवायरमेंट हो, मॉइस्चर ना हो, ठीक है, उस समय होता है।
और जब तक ये स्टेज आती है, मतलब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, उसमें पॉलन ग्रेन भी पूरी तरह से बन चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उस समय तक जो होती है दो लेयर, टेपेटम और मिडल लेयर खत्म हो चुकी होती है। तो जब पूरी तरह से एंथर डेवलप हो चुका होता है उसमें सिर्फ दो ही लेयर होती है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। एक चीज तो ये याद रखनी, ये बीच बीच में जो स्पोरोजिनस टिश्यू और जो माइक्रोस्पोर रेंजियम है उसके अलावा जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बाकी की सेल दिख रही है, ये स्टेराइल टिश्यू होता है। तो जब पूरी तरह से मैच्योर होता है तो वो स्टेराइल टिश्यू हट जाता है, जिससे देखो ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो दो माइक्रोस्पोर रेंजियम थी, बाद में पॉलन सैक कहलाएगी क्योंकि पॉलन ग्रेन डेवलप हो गए, वो दोनों फ्यूज हो गए। तो इधर वाले दोनों कंपार्टमेंट फ्यूज हो गए, इधर वाले दोनों कंपार्टमेंट फ्यूज हो गए। तो अब कितने कंपार्टमेंट बचे? ओवरऑल दो बचे पूरे एंथर में, ठीक है। तो ये दोनों फ्यूज हो गए। इसके बाद क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर होगा, क्योंकि कैसी कंडीशन है, हॉट और ड्राई कंडीशन है, तो लॉस ऑफ वाटर होगा। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो अपने जो एंडोथीसियम की सेल कुछ ऐसी बताई थी और मैंने बताया था कि ये जो लेयर होती है ये थिक होती है, ये वाली तो नहीं थी, तो यहां से लॉस ऑफ वाटर होने लगता है और जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है, इसका ऊपर की तरफ से ऐसे श्रिंक होती है, तो वो एक खिंचाव होता है, ये पास वाली ये वाली सबसे पहले इसमें खिंचाव, इसमें खिंचाव, इसमें खिंचाव, ऐसे ऐसे करते यहां से लगेगा ऐसे कोई खींच रहा है, ऐसे कैसे इस तरफ से भी कोई लगेगा खींच रहा है। और यहां पे इस रीजन में जो सेल होती है किसकी, एंडोथीसियम की, उसमें कैलोस होता ही नहीं, ठीक है, और इतना डिपोजिशन नहीं होता, और उसकी जो वॉल होती है कंपैरेटिवली थिन होती है, इनको कहते हैं स्टोमियम सेल। ये एंडोथीसियम की वो सेल है जिसकी वॉल जो होती है कम थिक होती है और उसमें कैलोस कुछ खास होता नहीं है, इनको कहते हैं स्टोमियम सेल। यहां से ये फट जाता है, ये स्टोमियम जहां पर सेल प्रेजेंट है यहां से फटेगा, और ये बेसिकली कौन सी लाइन पे प्रेजेंट होगा, अपन ने स्टार्ट में किया था कि एंथर बाइलोब्ड होता है, उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की वजह से दो थिक्का बनते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के ऊपर अगर ऐसे देखें तो उस अलोंग में ये प्रेजेंट होती है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में पूरी लेंथ में ऐसे फट जाएंगे, वही क्या होगा वहां से एंथर फटेगा। तो एंथर फटने के लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल है, अपनी जो बुक है एनसीईआरटी ध्यान से सुनना, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, आप चेक करना कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये तीनों जो है प्रोटेक्शन और एंथर के डेई सेंस में क्या करती है, हेल्प करती है। तो अगर उस हिसाब से देखें, अगर आपको पूछे एंथर डेई सेंस में कौन सी लेयर हेल्प करती है, और अगर ऑप्शन में ऐसे देख इन तीनों का नाम एक साथ हो तब तो अपन को तीनों चूज करनी है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर। लेकिन आपको सिर्फ एक लेयर ही चूज करनी है और एक्चुअल में वही लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है, तो वो कौन सी होती है, एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम लेयर जो होती है वो एंथर डेई सेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंडोथीसियम के कौन सी सेल से ये होता है, तो स्टोमियम सेल से होता है, ठीक है, यहां से फट जाएंगी और यहां से सारे पॉलन ग्रेन क्या होंगे, बाहर जो होंगे रिलीज हो जाएंगे। तो ये अपना एंथर डेई सेंस था, वैसे अपनी बुक में ये हेडिंग नहीं है, ये डायग्राम बना रखा है, तो ये कुछ पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ अपन आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।